दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर मल्टीविटामिन सिरप के बारे में, जिंकोवीर, जो कि आपने नाम सुना ही होगा। जिंकोवीर सिरप, जिंकोवीर टैबलेट या जिंकोवीर ड्राप कभी न कभी आपने भी यूज किया होगा, डॉक्टर ने भी आपको कभी न कभी प्रिस्क्राइब किया होगा। या तो आपने जिंकोवीर सिरप यूज किया हो, या तो टैबलेट यूज किया हो, या तो अपने बच्चे के लिए जो ड्राप है वो यूज किया हो। तो आज हम इस वीडियो में जिंकोवीर सिरप के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे उनमें कौन कौन से कंपोजिशन होता है, कैसे वर्क करता है, किन किन बीमारियों में इनका यूज किया जाता है, किसे नहीं दिया जा सकता, जानेंगे पूरी जानकारी इसी वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जो जिंकोवीर सिरप है वो एक प्रकार का मल्टीविटामिन सिरप है, जिनमें बहुत सारे टाइप्स के मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, न्यूट्रिशन मिले होते हैं, जो कि हमारे सेहत को, हमारे इम्यूनिटी को और अच्छे से बूस्ट करते हैं, हमें ताकत देते हैं। जो जिंकोवीर सिरप है वो जनरली 200 ml के बॉटल में अवेलेबल होता है, और जिंकोवीर सिरप को एपेक्स फार्मास्यूटिकल जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, एपेक्स कंपनी उसे बनाती है। अब हम उसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो जिंकोवीर सिरप है उसमें कौन कौन सी कंपोजिशन मिली होती हैं, वो कैसे वर्क करता है। इसमें हमारा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B3, एल-लाइसिन, जिंक, विटामिन ई, विटामिन B5, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन ए, आयोडीन, कॉपर, आयरन, सेलेनियम, विटामिन B12 और विटामिन D3 इसमें कॉन्टेन होता है, मिला होता है। आप ये जो कंपोजिशन है आप बगल में साइड में देख सकते हैं कौन कौन से कंपोजिशन जो जिंकोवीर सिरप है उसमें मिला होता है, कौन कौन से विटामिन, मल्टी मिनरल, न्यूट्रिशन मिले होते हैं, आप उसके बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका यूज हम कब कब और कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन केस में जिंकोवीर सिरप का यूज किया जाता है। तो जनरली अगर किसी भी पेशेंट को कमजोरी है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, उस केस में यूज किया जाता है। भूख नहीं लगता है, कमजोरी है, थकान रहता है एकदम दिन भर, शरीर में सुस्ती बना रहता है, भूख नहीं लगता है, उस केस में जो जिंकोवीर सिरप है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर इसका यूज करने के लिए कहते हैं, बोलते हैं। और इसका यूज नर्व फंक्शन, यानी कि जो नर्व हैं उनके फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नर्व फंक्शन में हेल्प करता है, नर्व फंक्शन को अच्छे से वर्क करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ब्लड फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि जो बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रहा है उस केस में ये जो सिरप है ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ बेटर विजन, यानी जो विजन है, कभी कभी क्या होता है कमजोरी के कारण हमें जो विजन है वो ब्लर दिखाई देने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, कम पास तक ही दिखाई देने लगता है, तो ये क्या करता है उसको अभी विजन जो है उसे अच्छा कराता है। ये क्या करता है आयरन का अब्जॉर्प्शन जो है उसको बेटर करता है। अगर हम किसी प्रकार से खाने के जरिए कहीं से भी आयरन ले रहे हैं तो ये क्या करता है उनको हेल्प करता है, आयरन अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है ये जिंकोवीर सिरप। इसके साथ साथ ये जो RBC हैं, रेड ब्लड सेल हैं, उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, जैसे कि जो कैल्शियम हम कहीं से भी ले रहे हैं मिल्क के साथ या कोई टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, ये क्या करता है उनके अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, हमारे बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जैसा कि आपको ताकत कमजोरी है, भूख नहीं लग रहा है, इसे जब हम पीते हैं तो ये क्या करता है हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इसके साथ साथ ये प्रेग्नेंट महिलाओं में भी बहुत ही फायदेमंद है, अच्छा वर्क करता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में महिलाएँ कमजोर हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन होता है, उस केस में भी जो ये जिंकोवीर सिरप है उसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रीफर करते हैं पेशेंट को देने के लिए। अब हम इसके डोज के बारे में बात कर ले कि इसका डोज क्या होता है। तो जनरली यहाँ पर हम एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एडल्ट के लिए जनरली 10 ml सुबह और 10 ml शाम को डॉक्टर लेने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं, और उसका यूज जनरली 1 महीने से लेकर 3 महीने तक किया जा सकता है। जो ड्यूरेशन है 1 महीने से लेकर 3 महीने तक किया जा सकता है, इससे आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इनके हम कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो जनरली इस दवा को लेने पर, ये जो सिरप है इसे पीने पर ज़्यादा तो साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी पेशेंट में जो साइड इफेक्ट हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस बन सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और पेट में जलन के साथ साथ दर्द भी देखने को मिल सकता है। जनरली ये कुछ ही पेशेंट में होता है,
हर पेशेंट में ये जो कंडीशन है साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों ये थी जिंकोविट सिरप के बारे में छोटी तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे, ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।